यस गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, हम आज वापस आ चुके हैं आपके सामने आगे की क्लास लेकर। और जैसा कि हम हमारी रेगुलर क्लासेस का टाइम है 2 o'clock, उस समय हमारी रेगुलर क्लास रहती है इंग्लिश की। तो आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जो टॉपिक कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे RPSC, SSC, बैंक और कोई भी डिफेंस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, और ये सभी एग्जाम के लिए आता है। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे एक न्यू टॉपिक की, जिसका नाम है आर्टिकल। क्या नाम है? आर्टिकल। तो आर्टिकल क्या होता है, हम ये समझेंगे। तो आर्टिकल जो होता है वो होता है ए एन द, ये हमारे आर्टिकल होते हैं। क्या होते हैं? आर्टिकल ए एन द। अब ए एंड द जो आर्टिकल होते हैं, इसमें सबसे पहले हम सीखेंगे कि इनको प्रोनाउंस कैसे किया जाता है, इनको प्रोनाउंस कैसे किया जाता है। तो इनको प्रोनाउंस करने के लिए हम ए को हम इंग्लिश में ए नहीं बोलते कभी भी, इसको जब हम सेंटेंस में यूज करते हैं तब अ, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या बनता है? अ। और जब हम एम की बात करते हैं तो एम को हम एम ही बोलते हैं। और द का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो द भी होता है और दी भी होता है, इसका ये दोनों प्रोनाउंसिएशन होता है, द भी होता है और दी भी होता है। अब हम आगे बात करते हैं कि ये कैसे द और दी दोनों होगा, हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और हम बात करते हैं आर्टिकल के काइंड्स की, कितने काइंड्स के आर्टिकल होते हैं। तो आर्टिकल जो होते हैं वो टू काइंड्स के होते हैं। कितने होते हैं? टू काइंड्स के। टू काइंड्स कौन से होते हैं? एक होता है आपका डेफिनेट आर्टिकल। क्या होता है? डेफिनेट आर्टिकल। अब डेफिनेट आर्टिकल का मीनिंग होता है द। क्या मीनिंग होता है? द। डेफिनेट आर्टिकल मीन्स जब हम किसी भी निश्चित थिंग्स के बारे में बात करते हैं, निश्चित वस्तु, व्यक्ति, स्थान के बारे में बात करते हैं, जो क्या होता है, हम जिसके बारे में ऑलरेडी जानते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? द यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? आर्टिकल द यूज करते हैं, जिसके बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं और जो निश्चितता को बताता है, उसके लिए हम आर्टिकल द यूज करते हैं। और जो दूसरा आर्टिकल होता है, दूसरा टाइप, वो होता है इसका इनडेफिनेट आर्टिकल। क्या होता है? इनडेफिनेट आर्टिकल। तो इनडेफिनेट आर्टिकल क्या होता है? इनडेफिनेट आर्टिकल में होता है ए और एन। अब ए और एन ये कैसे होते हैं? देखिए, हम समझते हैं कि जब इनडेफिनेट का मतलब होगा अनिश्चितता को बताते हैं, मतलब जिस थिंग्स के बारे में हमें पहले से ही पता नहीं होता है, उस सेंस में जब हम यूज करते हैं तो वो होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। इसमें डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित और इनडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित। क्या होता है? अनिश्चित। तो डेफिनेट आर्टिकल में द होता है और इनडेफिनेट आर्टिकल में एन होता है। अब हम आगे इसमें बात करेंगे कि इनका हम यूज कैसे करते हैं, जो हम हमारी डेली लाइफ में इसको यूज करते हैं। और देखिए, इसको हम समझते हैं। यस, हम देख रहे हैं आर्टिकल, जो आर्टिकल में हमने बात की कि आर्टिकल टू टाइप्स के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल। अब हम इनके एग्जाम्पल समझेंगे, एग्जाम्पल देखते हैं कि डेफिनेट कैसे होता है और इनडेफिनेट कैसे होता है। तो हम जैसे देखते हैं कि कभी कभार हम बोलते हैं कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो इसमें हमने बात की सन की। सन नाउन है यहाँ पे, तो सन है जो, द सन राइजेस इन द ईस्ट, जो सन होता है वो कहाँ उदय होता है? ईस्ट में। तो अब ये इसकी निश्चितता को बताता है कि सन जो दुनिया में एक ही है और वो हमेशा ईस्ट साइड में
उदय होता है और उसका जो टाइम होता है वो फिक्स होता है। तो जब ये कोई भी टाइम जिसका फिक्स हो, जो निश्चितता को बताता है, तो वहां पे हम आर्टिकल लेते हैं द, और ये होता है हमारा डेफिनेट आर्टिकल। क्या होता है? डेफिनेट आर्टिकल। और दूसरा जो होता है वो हमारा होता है इनडेफिनिट आर्टिकल। क्या होता है? इनडेफिनिट आर्टिकल। उसका एग्जांपल देखते हैं, अ मैन इज वेटिंग आउटसाइड, अ मैन इज वेटिंग आउटसाइड मींस बाहर एक आदमी वेट कर रहा है। अब बाहर एक आदमी वेट कर रहा है, हमने ये नहीं बताया कि कौन सा आदमी, या फिर इस सेंटेंस का मीनिंग ऐसे भी हो सकता है कि कोई आदमी बाहर वेट कर रहा है। अब कोई का सेंस मतलब किस आदमी की बात कर रहे हैं ये हमने नहीं बताया। तो ये शो करता है इनडेफिनिट को, अनिश्चितता को, कि वो आदमी कौन है हमने उसके बारे में नहीं बताया है। तो ये होता है आर्टिकल ए। और सेम, और इसमें हम एन भी ले सकते हैं जब यहाँ पे होता है कोई वॉवल से सेंटेंस होता है, ए और एन इस सेंस में हम यूज करते हैं। अब हम देखेंगे आगे कि और भी इसके एग्जांपल देखें तो हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि जैसे जैसे मैं किसी स्टोरी के बारे में डिस्कस करूं कि आई हैव अ काउ, मेरे पास में एक गाय है। फिर मैं बोलता हूँ नेक्स्ट सेंटेंस जब वापस काउ के बारे में बोलूंगा, जैसे मैं लिखता हूँ आई Have a cow. वापस cow के बारे में लिखता हूँ कि the cow has four legs. मतलब मेरे पास में जो गाय है वो कितनी legs दे रही है उसकी four. कितनी है? Four. तो इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? यहाँ पे हमने a cow की जगह क्या आर्टिकल लिया है? द। मीन्स पहले मेरे मैंने बताया कि गाय है, अब वो गाय क्या है कि जिसके बारे में मैंने वापस बात की है, तो वापस आर्टिकल क्या लेंगे? द। सेम ऐसे ही सेंस में हम बात करें कि हम देखा जाए कि मैंने डिस्कस किया कि मिस्टर शर्मा इज At the gate. जैसे ये सेंटेंस लिखा, इसमें हम यूज करेंगे अ। क्यों यूज करेंगे? जैसे कोई भी व्यक्ति है जो बैठा है, कहां पे बैठा है? खड़ा है, गेट पर खड़ा है। अब उस व्यक्ति के बारे में हम नहीं जानते हैं कि वो कौन है, तो हम उसके लिए क्या लेंगे? अ मिस्टर शर्मा इज एट द गेट, मतलब एक मिस्टर शर्मा है जो कहां पे है? गेट पर है। अब उस मिस्टर शर्मा के बारे में हम नहीं जानते हैं, तो हम यहाँ पे ए आर्टिकल लेंगे। जनरली ये देखा जाता है, ये सिखाया जाता है कि कोई भी नेम होता है वो नाउन होता है, और नेम से पहले कभी भी आर्टिकल नहीं आता है, बट यहाँ पे आर्टिकल ए आएगा। दिस इज राइट। व्हाई? बिकॉज इसमें हमने डिस्कस किया कि मिस्टर शर्मा है जो अननोन पर्सन है, हमारे लिए क्या है? अननोन पर्सन। इसलिए हम यहाँ पे आर्टिकल ए लेंगे कि मिस्टर शर्मा इज एट द गेट। मिस्टर शर्मा कहाँ पे है? गेट पे है। अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि इनको हम कैसे यूज करते हैं, और ये कहाँ यूज होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यू ऑलरेडी नो दैट हमने कल की क्लास में सीखा था कि लेटर टोटल कितने होते हैं इंग्लिश में? 26, जिसको हम अल्फाबेट भी बोलते हैं, जिसमें से 5 हमारे क्या होते हैं? वॉवल। क्या होते हैं? वॉवल, ए ई आई ओ यू। हम इनके यहाँ पे बात कर रहे हैं साउंड की। तो ये जो आर्टिकल टॉपिक होता है वो टोटली साउंड के ऊपर डिपेंड करता है कि इसका साउंड किस तरह से होता है। अब देखिए, हम देखते हैं इसमें इसके साउंड का, ए ई आई ओ यू जहां होता है तो वो वॉवल साउंड देता है। कौन सा साउंड देता है? वॉवल साउंड। जब वॉवल साउंड होता है तो उसके लिए हम आर्टिकल लेते हैं एन। क्या लेते हैं? एन। और दूसरा जो साउंड होता है वो हम बात करते हैं कॉन्सोनेंट की। किसकी बात करते हैं? कॉन्सोनेंट की। तो टोटल कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? कॉन्सोनेंट इज 5 वॉवल्स के अलावा, बाकी सब जो होते हैं वो हमारे
कॉन्सोनेंट होता है, कॉन्सोनेंट 21 होते हैं, कौन से होते हैं, बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन ओ नहीं होगा इसमें, टी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये हमारे कॉन्सोनेंट होता है। अब इस कॉन्सोनेंट का भी साउंड होता है, वॉवल का भी साउंड होगा, जहां पे सेंटेंस के अंदर कोई भी नाउन, जिससे पहले हमें आर्टिकल लेना है, वो आर्टिकल उसमें नाउन अगर वॉवल का साउंड दे तो वहां पे हम एन लेंगे, और अगर कॉन्सोनेंट का साउंड दे तो वहां पे हम ए लेंगे, क्या लेंगे, ए लेंगे। अब सेम ये जैसे होता है, इसमें इंग्लिश की जो वॉवल कॉन्सोनेंट होता है इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है, हम कभी भी जब वॉवल या कॉन्सोनेंट लेते हैं आर्टिकल के लिए तो वो हिंदी वाले लेते हैं, हिंदी में जो वॉवल और कॉन्सोनेंट होते हैं हम वो देखते हैं, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन जब हम करते हैं तो हम बोलेंगे तो वो हिंदी के सेंस में बोलेंगे, कि अगर वॉवल मतलब कोई भी लेटर, कोई भी वर्ड, जैसे मैंने वर्ड लिया यहाँ पे यूनिट, क्या वर्ड लिया, यूनिट, इसका फर्स्ट लेटर है यू, इसका जो साउंड आता है वो आ रहा है य, क्या आ रहा है य, तो ये फर्स्ट लेटर के साउंड के ऊपर डिपेंड करता है किसका साउंड कैसे लेते हैं। तो हिंदी के जो वॉवल होते हैं हमें उनको ध्यान में रखना होता है, ये सबसे इजी तरीका होता है कि हिंदी के जो वॉवल साउंड है उनको हम देखकर ही आर्टिकल लगाते हैं। तो हिंदी के वॉवल साउंड होते हैं वो होते हैं अ आ ई ई ऊ ए आई ओ औ, ये जो हिंदी के वॉवल होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। अगर कोई भी सेंटेंस जिसके अंदर कोई भी वर्ड दे रखा है वो अगर नाउन है और नाउन को जब हम प्रोनाउंस करेंगे उसके फर्स्ट लेटर का साउंड अगर अ से लेके औ तक में से आता है, फर्स्ट लेटर का साउंड अगर अ से लेके औ तक में से आता है तो वहां पे हम आर्टिकल लेंगे एन, क्या लेंगे एन। और कोई भी सेंटेंस जिसके अंदर वर्ड हो जिसमें अगर दे रखा हो हिंदी के कॉन्सोनेंट का साउंड, किसका साउंड दे रखा है, हिंदी के कॉन्सोनेंट का साउंड, जैसे हम डिस्कस करें हिंदी के कॉन्सोनेंट साउंड का कैसे, जैसे क से लेके ग तक, पूरी क खगड़े की बात करें तो अगर क से लेके ग तक वैसे साउंड आ रहा है तो वहां पे वो जो होता है वो कॉन्सोनेंट साउंड होता है, और जहां पे कॉन्सोनेंट साउंड होगा वहां पे हम आर्टिकल ए लेंगे। जैसे हमने यहाँ पे दिखा लिखा हुआ है यूनिट, यूनिट में स्पेलिंग होती है इसकी यू एन आई टी, अब इसमें फर्स्ट लेटर है वो वॉवल है, इंग्लिश का वॉवल है, बट ये साउंड किसका दे रहा है, साउंड यहाँ पे कॉन्सोनेंट का दे रहा है, कैसे कॉन्सोनेंट का, कि य जो होता है वो क से लेके ग तक में से आता है, य जो होता है वो कहाँ आता है, क से लेके ग तक में से, जब क से लेके ग तक में से आता है तो ये जो साउंड दे रहा है किसका, कॉन्सोनेंट का, इसके पहले हम लेंगे आर्टिकल ए, क्या लेंगे, आर्टिकल ए, अ यूनिट, हम क्या बोलेंगे, अ यूनिट। और अगर वॉवल का साउंड दे, जैसे मैंने यहाँ पे वर्ड ले लिया एरोप्लेन, क्या ले लिया, एरोप्लेन, अब एरोप्लेन में फर्स्ट लेटर क्या आ रहा है, ए, और ये साउंड भी किसका दे रहा है, एरोप्लेन में ए का ही दे रहा है, अ से लेके औ तक में से साउंड है, इस कारण हम यहाँ पे क्या लेंगे, एन एरोप्लेन, क्या लेंगे, एन एरोप्लेन। तो इस तरह से ये साउंड के ऊपर भी डिपेंड होता है कि हम साउंड किस तरह से लेते हैं।